देखिए स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर का यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से मैं आपको मैथ के अवकलन के आगे के क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, बाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉज एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमने सबसे पहले लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स, वाई के बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन को। ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। सबसे पहला पॉइंट ले लेंगे u वाला, इसको u मान लेंगे, तो लिखेंगे माना u बराबर x की पावर x cos x। लॉग लेंगे तो लॉग x हो जाएगा बराबर x cos x, लॉग x हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला टर्म मान लेंगे, इसको दूसरा टर्म मान लेंगे, हल करेंगे 1 अपॉन x, वन अपॉन यू, ये यू है, वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स। अब इसमें गुणा विधि लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन आ गए। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स कॉज एक्स और डी और लॉग एक्स लिख देंगे। अब लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक्स कॉज एक्स लिखेंगे। वन अपॉन यू डी यू ऐसी रहा, वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स ऐसी रहा, बराबर एक्स कॉज एक्स लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे तो एक्स कॉज एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो एक्स कॉज एक्स बटे एक्स, एक्स कॉज एक्स बटे एक्स हो गया। लॉग एक्स को छोड़ देंगे और इसमें गुणा वाली विधि लगाएंगे क्योंकि ये फिर से दो पद बन गए, एक फंक्शन ये हो गया एक फंक्शन ये हो गया, तो इसमें एक को छोड़ेंगे एक का करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक्स को छोड़ेंगे और कॉज एक्स का करेंगे, कॉज एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे। फिर से देखिए, ये इसका नहीं किया, इसका कर दिया, इसका नहीं किया हमने, और फिर इसका अवकलन करेंगे। अवकलन इसका होगा नहीं क्योंकि ये दोनों फंक्शन साथ में है, तो इनमें गुणा विधि लगा दी। x कैंसिल आउट हो गया तो यह cos x अपॉन x प्लस log x ऐसी रहा, इसका x का होगा नहीं, इसका होगा sin x, तो ये हो गया माइनस x sin x। cos x का होगा नहीं और इसका बन होता है, तो बन लिखने से फायदा नहीं, गुणा हो जाएगी उसमें। ये वन अपॉन u डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स बराबर यू इधर चला गया, ये यू, तो ये हो गया कॉज एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स, छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ, तो हो गया कॉज एक्स, ये कॉज एक्स पहले लिख देंगे, माइनस एक्स साइन एक्स, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये यू, छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम इसको इक्वेशन वन मान लो क्योंकि बाद में इसी में मान रखेंगे। अब दूसरा उतारेंगे ये वाला, तो माना b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, अवकलन करेंगे db ओवर dx, इसको छोड़ देंगे और इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन का करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका टू एक्स हो जाएगा, इसका होगा नहीं और इसका टू एक्स हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा कर सकते हैं अंदर या टू एक्स कॉमन आ गया, टू एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वन।
नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक और एक दो हो गए, और दो यहाँ है तो दो दूनी चार हो गए, तो ये आ गया हमारा माइनस का चार एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। डी बी, अब हम क्या करेंगे, डी यू और डी बी इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे डी यू बटे डी एक्स बा डी बी ओवर डी एक्स के मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है डी बाई ओवर डी एक्स बराबर डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बाई ओवर डी एक्स डी बी। डी बाई ओवर डी एक्स ऐसी रहा, डी यू का मान रख देंगे, डी यू का मान ये पूरी लाइन है तो कॉज एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स ब्रैकेट बंद यू, यू की वैल्यू एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स है, एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स प्लस डी बी का मान, ये पूरी लाइन है ये इतना, माइनस का फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया, डी बाई डी एक्स का मान आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, और इसको हमने मान लिया बाई के बराबर, तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अलग अलग करेंगे इसे, अलग अलग हल कर लेंगे और फिर उसके बाद इसी में वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट उतार लिया, माना u बराबर एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर एक्स लॉग एक्स कॉज एक्स, ये हो गया, ये पहला मान लिया, और ये इतना जो है ये दूसरा पद मान लिया, तो इसका हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स बराबर एक्स को छोड़ देंगे और इसका करेंगे लॉग एक्स कॉज एक्स का, अब एक्स कॉज लॉग एक्स कॉज एक्स को छोड़ देंगे एक्स का किया, एक्स को छोड़ा इसका किया, अब इसे छोड़ा एक्स का करेंगे, वन अपॉन यू डी यू बटे डी एक्स बराबर एक्स का होगा नहीं, इसका करेंगे लॉग एक्स, इस पूरे को एक्स मान लेंगे तो इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स कॉज एक्स, वन अपॉन एक्स कॉज एक्स हो जाएगा इसका, एक्स कॉज एक्स का दोबारा करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो एक्स को छोड़ेंगे कॉज एक्स का करेंगे, कॉज एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे, इसका होगा नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो लॉग एक्स कॉज एक्स ऐसी रहने देंगे, और डी एक्स का करेंगे तो इसका वन आ जाएगा, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि वन की मल्टीप्लाई होगी वो उसी में गायब हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया सेक एक्स एक्स ऐसे ही रहा, इसका होता है साइन एक्स
माइनस का साइन एक्स होता है तो माइनस का साइन एक्स लिख दिया, कॉज एक्स ऐसे ही रहा, इसका होगा नहीं, इसका होगा तो वन होगा, वो इसी में गुणा होके इसी में गुणा हो जाएगी उसकी, प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स ऐसे ही रहा, लॉग एक्स कॉज एक्स ये आ गया, ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स। तो लिखेंगे डी यू ओवर डी एक्स बराबर माइनस, यहाँ ये आपका हमने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, कॉज एक्स को पहले लिख देंगे, तो लिखेंगे सेक एक्स कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, प्लस का टर्म पहले लिख लिया, प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स, और इस पूरे के बाहर ये यू आ गया। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट हल करते हैं, ये वाला। माना b बराबर एक्स साइन एक्स की पावर एक्स वन अपॉन एक्स, लॉग लेंगे तो लॉग b बराबर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, इसका हो जाएगा वन अपॉन बी डी बी बटे डी एक्स बराबर वन अपॉन एक्स को छोड़ देंगे, दो पद हो गए, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, लॉग एक्स कॉज एक्स साइन एक्स का करेंगे, फिर लॉग एक्स साइन एक्स को छोड़ देंगे और वन अपॉन एक्स का करेंगे, इसको छोड़ा इसका किया, इसको छोड़ा इसका किया, वन अपॉन बी ऐसी रहेगा, डी बी बटे डी एक्स ऐसी रहेगा, वन अपॉन एक्स ऐसी रहा, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स को छोड़ेंगे, इसका दोबारा करेंगे तो एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे, एक्स का करेंगे, इसका इसकी पावर ये एक्स की पावर माइनस वन है, एक्स की पावर माइनस वन, माइनस वन पहले आएगा, प्लस पहले इतना लिख लो, या चाहो तो पहले इसका कर दो, चलो इसे लिख लेते हैं, लॉग एक्स साइन एक्स, माइनस वन है एक्स की पावर माइनस वन का, यानी माइनस वन पहले आएगा, फिर एक्स की पावर एक घटेगी तो माइनस दो हो जाएगा, ये इसका अवकलन आया इतना, एक्स का ये वन अपॉन एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, वन अपॉन बी डी बी बटे डी एक्स बराबर वन, मल्टीप्लाई कर लिया, या चाहो तो ये यहाँ रख दिया इसकी वैल्यू, एक्स का करेंगे नहीं, इसका कॉज एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, इसको लिखेंगे नहीं, इसका वन हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, ये एक्स माइनस की एक्स की घात माइनस दो है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, लॉग एक्स साइन एक्स ऐसे लिख दिया, डी बी बटे डी एक्स ऐसे ही उतार दिया, एक्स कॉज एक्स लिखा प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बी इधर आ गया, पूरे मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये बी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मान रखने हैं, मान रखेंगे डी यू बटे डी एक्स बा डी बी बटे डी एक्स के मान, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, डी बाई बटे डी एक्स बराबर डी यू है, डी यू बटे डी एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स का मान कहाँ है, डी यू बटे पहले लिख दे रहे हैं, चलो डी यू बटे डी एक्स
dx बराबर dv बटे dx, dy बटे dx बराबर du, du बटे dx का मान, ये पूरी लाइन है। लाइन क्या है? लाइन है sec x, लाइन है sec x, cos x, x sin x, ब्रैकेट बंद, फिर log x cos x, ब्रैकेट के बाहर u है, u की वैल्यू x की पावर x cos x, x की पावर, दूसरा क्वेश्चन है x x cos x, x cos x की पावर x, x cos x की पावर x, ये u की वैल्यू है, x cos x की पावर x, x cos x की पावर x, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगाया, dv बटे dx की वैल्यू, ये पूरी लाइन, x cos x प्लस साइन x, x cos x प्लस साइन x बटे एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट बंद, पूरा बड़ा ब्रैकेट, बाहर है बी, बी की वैल्यू एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, ये आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।